सो गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आज ही अपने पास में NS 200 और इसको करने वाले हैं भाई स्टार्ट भी करेंगे और काफी सारा इसमें काम क्या है पेंडिंग है। काफी टाइम से हमारे पास में खड़ी थी, कई कस्टमर की आई थी तो अभी उसको लेके कुछ हमारी डील हुई है। तो फर्स्ट आज हमने बाइक निकाली बाहर और बाइक निकालने के बाद उसको करने वाले हैं स्टार्ट। स्टार्टिंग प्रॉब्लम है गाड़ी के अंदर, वो भी काफी सारी प्रॉब्लम है। तो फर्स्ट मैं आपको गाड़ी दिखाता हूँ, आपको मैं प्रॉब्लम दिखाता हूँ गाड़ी में क्या क्या दिक्कत है। तो ये आ गए भाई अपनी NS 200 और गाड़ी की आप एक बार हालत देख लो, काफी टाइम से मेरे पास में खड़ी थी, क्या हालत रखी गाड़ी की। कैलीपर इसका भाई ये था, कैलीपर यहाँ पे है। लास्ट टाइम क्या हुआ था भाई, अपना एक भाई की गाड़ी में एक्सीडेंट हो गया था तो उसका यहाँ से बूट ये पूरा टूट चुका था। तो हमने क्या करा था भाई के अपना सोकल उसको भेज दिया था बाहर अपना बिहार साइड में, वो लगा दिया था इसमें। और अपने पास में एक NS खड़ी थी, मैंने सोचा था उसका डालूंगा इसके अंदर में, मगर क्या हुआ क्या सीन कि अपनी जो NS थी उसके मैंने दोनों सोकल उसमें डाल दिए थे अपने Pulsar 180 में। तो इसका बूट भी मंगवाएंगे अभी और उसका कैलीपर भी फिट करेंगे। सर्विस होगी इसकी कैलीपर की, दोनों की आगे पीछे दोनों कैलीपर की सर्विस होगी। हैंडल इसके दोनों बैंड रखे हैं, बैंड से ही करने। तो सबसे पहले गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। तो अभी फर्स्ट इसकी भाई टंकी वंकी देखो, लोग वो इसका मोस्टली सब कुछ खराब होता है इसका। तो अभी फटाफट से इसकी टंकी उतरवाते हैं, इसका कार्पेटर पहले खुलवाते हैं, कार्पेटर की कंडीशन देखते हैं। तो यहाँ पर अपने खोल चुके हैं अपनी गाड़ी का कार्पेटर और फिल्टर बॉक्स भी बाहर निकाल दिया है और अभी कार्पेटर ही करने जा रहे हैं क्लीनिंग। वैसे अपना कार्पेटर जो है थोड़ा सा खराब हो रहा है क्योंकि स्लाइड पे जो है अपनी निशान आ गया यहाँ पे, कट चुकी है हल्की हल्की, मगर अभी क्या है भाई इसका कार्पेटर ये डालने वाला है। कार्पेटर आएगा महंगा इसका, ना करते करते कार्पेटर से आएगा 4 से 5 हज़ार रुपये के आसपास का। तो अभी फिलहाल इसी क्लीनिंग करके क्योंकि मैंने अभी हमें कहा गाड़ी को स्टार्ट करना है तो फटाफट से ये क्लीनिंग करवा दें। क्लीनिंग करवाने के बाद में फिर अभी अपना टैंक में इशू है। टैंक में इशू क्या है कि अपना ये लॉक खराब है, लॉक नहीं लग रहा है। तो अपने पास में टंकी पड़ी अंदर NS की एक और, हम क्या करेंगे ऊपर का कवर तो चेंज हो जाएगा, कवर ये लग जाएगा हमारा, बाकी टंकी अंदर की लगा देंगे। तो अंदर वाली टंकी हम लगाते हैं, फटाफट से लेके आते हैं और इसके अंदर लगा देंगे। लोग को कुछ नहीं हो रहा, लोग सब खराब हो रहा है। और उसके बाद में अभी पहले इसको ग्लूकोज के चढ़ा के सबसे पहले क्या करेंगे, कार्पेटर लगा के पहले इसमें ग्लूकोज लगा के गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, फिर आगे का काम स्टार्ट करते हैं। तो भाई कार्पेटर वगैरह इसका कर दिया फिट और गाड़ी में क्या है अभी ग्लूकोज चढ़ा दिया। ग्लूकोज चढ़ाने के बाद में अभी एक इशू आ गया, इशू क्या आ गया भाई कि इसका जो है सेल्फ काम नहीं करता। क्यों काम नहीं करता अभी चेक कर रहे हैं। यहाँ पे अपन ने बैटरी की वायर जोड़ दी, अपने बड़ी वाली बैटरी से टेस्टिंग कर दी है क्योंकि उसका सेल्फ हमारा काफी ज्यादा सेल्फ खाएगी। तो डायरेक्ट अभी दे रहे हैं इसको पेट्रोल और देखते हैं भाई इसका सेल्फ क्यों नहीं चल पा रहा है और कहाँ पे क्या इशू आ रहा है। रिले भी चेक करेंगे अभी, पहले रिले में इसका सेल्फ चेक करने के क्या करेंगे, रिले की जो तार होगी इसको टाइट कर देते हैं एक बार। तो फाइनली भाई अपनी गाड़ी हो गई स्टार्ट और अभी क्या है इसके अंदर में एग्जॉस्ट नहीं रखा है, तो एग्जॉस्ट ना लगने की वजह से गाड़ी की साउंड इतनी ज्यादा खतरनाक आ रही है। तो स्टार्टिंग में जो मेन चेक करनी थी स्टार्टिंग हो गई है अपनी, बैटरी वगैरह एकदम ओके काम कर दिया। तो फटाफट से भाई इसके अंदर में क्या है एग्जॉस्ट लगवाते हैं और इसकी रेस वगैरह सेट करवा के फिर गाड़ी कराते हैं फिटिंग और गाड़ी के देते हैं चला गए की बात। तो फाइनली भाई अभी बाइक जो अपनी स्टार्ट हो चुकी है और आकाश भाई को बुला लिया था, गाड़ी को क्या था कुछ इशू आ रहा था उसकी वजह से क्या मैंने आकाश भाई को बुला लिया था। बाकी इशू क्या था गाड़ी को एक बार इसका भी मिक्सर सेट कर देते हैं, उसके बाद में गाड़ी एक बार बंद करके मैं आपको बताता हूँ क्या इशू आ गया गाड़ी के अंदर। तो फाइनली भाई अपने गाड़ी की जो भाई प्रॉब्लम थी वो सोल्व हो गया। प्रॉब्लम क्या इशू आ गया था भाई कि जो कभी कभी हम नहीं सोचते वो भी इस गाड़ी के अंदर इशू आया था। इशू क्या आ गया था भाई, CDI की दिक्कत आ गई थी और गाड़ी क्या थी करंट भाई बिल्कुल भी पकड़ नहीं पा रही थी, गाड़ी मिसिंग मार गई थी। जबकि करंट चेक किया तो करंट एकदम ठीक आ रहा था, CDI चेंज करते भाई एकदम गाड़ी हो गई बढ़िया। तो भाई आकाश भाई हमारे जो हमेशा आते हैं भाई सपोर्ट करने के लिए, भाई हमारे कहते हैं भाई हार नहीं माननी चाहिए, कभी आकाश भाई हार नहीं माननी चाहिए। तो भाई ने आया भाई हेल्प करी मेरी, भाई ने बोला भाई इसकी CDI चेंज करी देखो। तो जैसे ही CDI चेंज करी गाड़ी की स्टार्टिंग बढ़िया होगी, बाकी स्लोइंग थोड़ा गाड़ी की ज्यादा है क्योंकि मैंने इसमें क्या बटरफ्लाई चेंज की थी कार्पेटर की और बटरफ्लाई क्या अभी कटी हुई है टेम्परेली, मैंने इसका किया था जुगाड़ किया पहले गाड़ी की स्टार्ट हो जाए और एक बार स्लोइंग स्टार्ट हो जाए। तो भाई स्लोइंग अभी थोड़ी सी ज्यादा है तो बटरफ्लाई इसकी देखते जुगाड़ करके कोशिश करेंगे कार्पेटर मिल जाए इसका। कार्पेटर नहीं मिलता तो अदरवाइज इसका बटरफ्लाई का सिक्का डालेंगे। बाकी इसके टैपेट भाई बहुत ज्यादा लूज है, टैपेट में इतनी ज्यादा साउंड आ रही है ऐसा लग रहा है कि इंजन में क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो अभी इसका टैपेट का ढक्कन खुलवा रहे हैं, इसके टैपेट एडजस्टिंग करेंगे और टैपेट एडजस्टिंग करने के बाद में भाई अभी क्या है इसका फिलहाल
फिल्टर बॉक्स टेम्परेली ऐसी लगाएंगे, परमानेंटली लगाएंगे नहीं इसकी, और उसके बाद में अभी इसका बटरफ्लाई का जुगाड़ करते हैं, मंगाते हैं बटरफ्लाई, और बटरफ्लाई चेंज करके फिर फिटिंग का काम स्टार्ट करेंगे इसका। तो भाई अभी जस्ट ऊपर की इसकी हेड गियर रबड़ निकाल दी है और गोटी से घुमा रहे हैं। गोटी से पहले क्या करेंगे, एक टैपर को डाउन करेंगे और दूसरा टैपर अपना ऊपर आ जाएगा, फिर उसकी एडजस्टिंग करेंगे। और इसकी एडजस्टिंग से छोड़नी है मतलब 6 mm या 8 mm के आसपास छोड़ सकते हो, वैसे तो मैं कम से कम ही छोड़ता हूँ, 6 mm छोड़ता हूँ, गाड़ी एकदम ओके चलती है, कोई इशू नहीं आता है। तो इसकी 8 mm के आसपास की इसकी छोड़ देंगे। और पहले देख लेते हैं कि जब प्ले कितनी आ रही है, लूज कितने जा रहा है इसके टैपर। तो भाई मैं आपको इसकी साउंड सुनाता हूँ, आगे वाला डाउन कर दिया है, और इसके बाद साउंड सुनो, ये देखो एक बार साउंड सुनो इसके साथ आ रही होगी काफी, आपको टक टक की आवाज आ रही होगी। तो इसके टैपर जो है काफी ज्यादा लूज है, एक बार आपको पत्ती लगा के दिखाता हूँ कितने ज्यादा लूज है टैपर इसके। तो भाई अभी मैं आपको टैपर का एडजस्टमेंट दिखाता हूँ, देखो इस पर पत्ती पे क्या मेंशन रखा है, तो पत्ती पे देखो आप 30 mm लिखा हुआ है। तो अभी मैं आपको टैपर का एडजस्टमेंट दिखाता हूँ, टैपर जो है भाई अपना कितना लूज है, पत्ती जो है 30 mm पे यहाँ पे है, 30 mm लिखा हुआ है, और हम जैसे ही हम इसको लगाते हैं 30 mm पे, तो इजिली हमारा ये देख दो, इसलिए हमारी पत्ती इसके अंदर चली आएगी। ये हमारा 30 mm आ रहा है और ये आ रहा हमारा 28 mm, तो हमें पीछे वाले एग्जॉस्ट को क्या करना है, इसको 5 mm सेट करेंगे और आगे वाले को करेंगे 8 mm सेट। मतलब इतना ज्यादा लूज है, कहाँ 5 mm कहाँ 30 mm, तो आप देख लो कितने ज्यादा लूज है, तो कितनी ज्यादा साउंड कर रहा हुआ। तो फटाफट से अभी हम इसको 5 mm पे सेट करेंगे और आगे वाले को सेट करेंगे हम 8 mm पे। तो जैसे कि भाई स्टार्टिंग होगी बढ़िया अपनी गाड़ी की, और अभी टैंक वैंक अपनी आ गई, टैंक का भाई इसमें लॉक का इशू आ रहा है, तो देखते हैं अभी लॉक में क्या करना है, लॉक चेंज करेंगे या क्या करेंगे लॉक को। सेकेंड अपना इसमें लगाने वाले हैं एग्जॉस्ट, और अपना जो इसमें नोबल सेंसर था वो हटा दिया, क्योंकि इसकी ढोलकी में है कि ढोलकी के अंदर जाल होता है, वो जाल ना फट जाता है। तो जाल फटने के बाद क्या होता है, जब गाड़ी हम चलाते हैं ना, ये देखो मैं आपको एक साउंड सुनाता हूँ उसके अंदर में, इसको मैं हिलाऊंगा, देखो ये आवाज आ रही होगी, जब ये चलेगी तो ये छन 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 आवाज करेगा। तो इसीलिए भाई इसमें लगाने वाले हैं हम एग्जॉस्ट, बाकी का बाद में अगर बंदा बोलेगा भाई मुझे एग्जॉस्ट नहीं लगवाना, तो इसकी ढोलकी लाके लगाएंगे अभी फिलहाल इसकी एग्जॉस्ट लगाने के बाद। तो अभी क्या है इसमें, क्या कपलर टू कपलर फिट हो जाएगा, तो अभी लास्ट टाइम मैंने यहाँ से वेल्डिंग किया था, तो वेल्डिंग काट के पहले हमें एक शार कर लेनी है, उसके बाद में एग्जॉस्ट फिट करते हैं। तो भाई अभी एग्जॉस्ट फिटिंग कर देते हैं, और हमने इसकी कटिंग कर ली थी, मगर इसमें क्या इशू आ रहा है कि अपना ये जो एग्जॉस्ट अपना सिलेंसर एग्जॉस्ट है, ये जो इसका होल काफी ज्यादा बड़ा है, बड़ा होने की वजह से भाई ये इसमें नहीं आ पा रहे, देखो इससे नहीं आ रहा। और एग्जॉस्ट जो होते हैं इजिली ऊपर से ऊपर चढ़ जाते हैं इसके, मगर ये क्या दोनों साइज इसका सेम है, जिसकी वजह से लग नहीं पा रहा। तो अभी प्लान थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, एग्जॉस्ट लगाएंगे लास्ट में, और अभी इसकी गाड़ी की टंकी एक बार धो लेते हैं, टंकी को क्लीन करवा लेते हैं, फटाफट से टंकी क्लीन करवाते हैं, क्योंकि टंकी में पेट्रोल रिफिल करेंगे, और ऐसा ना हो कि टंकी काफी टाइम से पड़ी है, अंदर से गंदी हो रही, जंग खा रहा हो, तो टंकी फटाफट से खुलवा के टंकी की क्लीन करते हैं, और ऊपर का इसका सिस्टम जो है फिट करते हैं पूरा, उसके बाद फिर आगे का देखते हैं। तो जस्ट भाई दुकान पे अपनी वापस पहुंच चुके थे हम लोग, तो अभी भाई आए, भाई ने बाइक देखी, तो भाई ने बोला कि भाई मुझे एग्जॉस्ट नहीं चाहिए गाड़ी के अंदर, साउंड चाहिए मुझे नॉर्मल, तो आप इसका नॉर्मल स्टॉक एग्जॉस्ट लगाओ, एग्जॉस्ट हटा दो। तो अभी जो नॉर्मल एग्जॉस्ट है उसके अंदर जो घंटी बज रही है, उस घंटे को हम ठीक करेंगे, कैसे ठीक करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट इसकी भाई टंकी आ गई अपनी, टंकी की क्लीनिंग कराने जाने, टंकी में पानी से एक बार इसको धुलवा देते हैं टंकी को, क्योंकि इसमें भाई क्या दिक्कत आ रही है पता है, इसके अंदर कागज है भाई सब बहुत सारा टंकी के अंदर में, अभी आधा तो ये निकाल दिया, देखो कितना सारा कागज पड़ा है, ये पड़ा हुआ, ये सारा कागज पड़ा हुआ है, और अभी टंकी के अंदर थोड़ी धूल मिट्टी है, तो अभी टंकी भेज दे क्लीनिंग के लिए, टंकी को धुलवा लेते हैं, उसके बाद में इसका टंकी का मतलब लोगों का देखते हैं फिर क्या करवाना है, पहले फटाफट इसकी टंकी करवा लाते हैं। और अभी इसमें एक इशू हो रहा है, कि इशू क्या है भाई, कि भाई ऐसी बात है, बहुत से बंदे होते हैं बैक के बोलते हैं कि मुझे बैक रेस्ट चाहिए, बहुत से बंदे होते हैं इनको बैक रेस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, तो भाई बैक रेस्ट का एक बार हालत देखो, कि जहां पे बैक रेस्ट अपने लगते ना इसके भाई बिल्कुल भी मतलब ये खत्म ही पड़ी है, कुछ ही नहीं बचा हुआ इसके अंदर में। तो अभी यार क्योंकि अभी ये भी है कि जो अपनी टेल होती है, टेल भी अपने इन नटों में ही फिक्स होती है, और इन नटों में अपना बैक रेस्ट फिक्स होता है, तो ये थोड़ा सा इशू आ गया। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, अंदर जो अपनी पल्सर खड़ी हुई चीज खराब है, तो उसके ये दोनों इससे काट के इसमें वेल्डिंग कर देंगे, ताकि अपना इसमें बैक रेस्ट इनके लगाना हो तो लगा सकते हैं, बाकी अपना टेल तो भाई लगाई ही जाएगी इसमें। इसके बाद जब तक टंकी जा रही क्लीनिंग के लिए, मैं इसके हैंडल खुलवा लेता हूँ और हैंडल करवा लेता हूँ दोनों इसके सीधे, और सिलेंसर भाई का उतार दिया, सिलेंसर नॉर्मल लगाएंगे, सिलेंसर में क्या जो ढोलकी में एक साउंड जो क्रिएट हो रही है, तो भी सिलेंसर मैं सोच रहा हूँ एक बार क्यों ना काट के देखा जाए, खराब तो देखो है ही, चेंज तो मुझे कराना पड़ेगा सिलेंसर। तो अभी इसका नीचे का हिस्सा काटेंगे, नीचे का हिस्सा काट के देखेंगे इसके अंदर में क्या निकलता है।
आ गया 35,000। ओहो प्लेट टूटी पड़ी है, देखो प्लेट टूटी है सिंह। तो जैसे देख सकते हो भाई इसका अपने एग्जॉस्ट खोल के पूरा निकाल दिया है, बाकी पूरी प्लेट इसलिए नहीं खुल पाई कि यहाँ पे जो ना देख सकते हो यहाँ पे वेल्डिंग रखी है और ये वेल्डिंग अपनी यहाँ पे इसमें हो रखी है, कुछ नहीं है इसके अंदर नॉर्मली ऐसी बैंड पाइप टाइप की बन रखी है। ये पत्ती टूटी पड़ी है इसके अंदर और ये पत्ती यहाँ की है सामने की, सामने लगती है पत्ती, ये पत्ती टूटी है जो आवाज करती थी बहुत ज्यादा खनखन। और अब एक बार इसको हिला के देख लेते हैं, कोई साउंड तो नहीं है, साउंड अगर नहीं होगी तो इसको दोबारा से हम इस पे रख के वेल्डिंग कर लेंगे। इनके अगर आप अपनी गाड़ी का साउंड बढ़ाना चाहते हो, कई बंदे होते हैं जो कहते हैं भाई हमें स्ट्रोक एग्जॉस्ट में थोड़ी साउंड चाहिए, हल्की साउंड बढ़ानी है, तो इसमें भी आप साउंड बढ़ा सकते हो, इसको काट पीट के जुगाड़ कर सकते हो अगर आपके पास में दिमाग है तो। यहाँ से अपनी साउंड, यहाँ से अपनी एयर जो है यहाँ से इन होती है और यहाँ पे घूमती है हवा, अपनी घूमती है, ये फिक्स रहता है, यहाँ से बंद रहता है, होल नहीं होता। यहाँ पे हवा घूमती है, जाती है इस वाले होल में से, यहाँ पे इस वाले होल में से इधर आने के बाद में हवा, ठीक है, फिर इस पाइप में से बाहर निकलती है, ये काम होता है इसका। मतलब जो अपनी एयर होती है ना डायरेक्ट बाहर निकलती है, अंदर राउंड राउंड लेके तब बाहर निकलती है, इसलिए जो है साउंड जो है कम हो जाती है गाड़ी की। अगर डायरेक्ट बाहर निकलेगी तो एग्जॉस्ट की साउंड बहुत ज्यादा लाउड हो जाती है। तो अभी इसकी पत्ती हमने निकाल दी है, इसको हिला के चेक कर लेते हैं, उसके बाद में इसको वापस कर देते हैं फिक्स। तो भाई अपनी ढोलकी का सारा काफी ज्यादा काम हो चुका है वेल्डिंग का, और अभी थोड़ी बहुत वेल्डिंग इसमें रह गई है, थोड़ी बहुत जो वेल्डिंग रह गई है उसके बाद अभी करेंगे कम, जैसे कि यहाँ पे टांका लगना रह गया है और यहाँ पे रह गया है, मतलब तो दो चार जगह है जो टांका भी लगना रह गया, तो फटाफट से इसमें टांका लगा के फिक्स करते हैं। इसके बाद में अपना जब तक मैं इसको वेल्डिंग करके रख देता हूँ ठंडा होने के लिए, और जब तक अपना गाड़ी में और काम करते हैं। तो भाई आगे की इसके हेडलाइट खोद दिए, बाकी इसके हैंडल के जो सीधे करवा दिए सीधे करवा दिए, दोनों इसके हैंडल सीधे करवा दिए, बहुत ज्यादा बैंड हो रहे थे इसके, और चलाने में क्या है फिर इशू हुआ था टंकी पे लगते हैं हैंडल, तो मैंने एक सोचा क्या क्यों ना हाथों से इसके हैंडल सीधे करा दिया, तो दोनों हैंडल सीधे करवा दिए, और उस साइड का मुट्ठा तो अपना एकदम ओके, कोई इशू नहीं है, बाकी इस साइड मुट्ठे में दिक्कत आई थी, जो तार थी ना वो सेल की तार टूटी हुई थी और तार ना बाहर लटकी थी। तो अभी इसमें क्या करने वाले, अपने पास में स्विच पड़ा हुआ था NS200 का ही, तो ये स्विच तो भाई एकदम ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बाकी नीचे से इसकी वायरिंग कटी है, देख सकते हो आप नीचे से तारे कटी है। तो हम क्या करने वाले हैं, स्विच हम ना स्विच हमारा ये रहेगा ऊपर से, ठीक है, इस वाले स्विच में ये स्विच खराब होता है अपना, इसकी तारे सही है नीचे से तो ये स्विच खराब होता है, ये स्विच ऊपर सही है तो तारे खराब है। तो हम क्या करने वाले हैं, स्विच हमारा ये रहने वाला है, ठीक है, और इसका क्या हम करेंगे, इसका जो सॉकेट है हमारा, क्योंकि इस वाले की तो तारे टूटी हुई है सारी, ठीक है, तो इसका जो सॉकेट हमारा ये सॉकेट लगाएंगे हम उसके अंदर में, कैसे लगाएंगे वो मैं आपको लास्ट में दिखाता हूँ, अभी इसको खोल लेते हैं। तो अपना भाई स्विच हो चुका है रेडी, बाकी मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, आपको शायद हो सकता है बात समझ में नहीं आई हो कि मैंने कैसे क्या बोला, एक बार टेप मत मार दूंगा, मैं दिखाता हूँ, हाँ निकाल देगा टेप वापस। तो मैंने आपको समझाया था तो उसका आपको समझ में नहीं आया बिल्कुल भी। तो भाई ये था, ये जो आप प्लास्टिक देख रहे हो, ये जो उस वाले सॉकेट की जो खराब पड़ा हुआ है वहां पे, ठीक है, उस वाले सॉकेट का कनेक्टर है, और जो जो तार उसकी खराब हुई थी भाई ये देखो, तार मैंने यहाँ पे जोड़ दिए, इतनी तार काटी मैंने और इसमें जोड़ दी, ठीक है, उसके बाद में इसकी इतनी तार काटी इसमें जोड़ दी, मगर जो साबुत तार थी वो डायरेक्ट जोड़ दी है, और जो तार कटी थी वो ऐसे जोड़ दी, और अब इसमें क्या हमारी टेप लग जाएगी और ये सॉकेट हो जाएगा, मतलब एकदम बढ़िया हो जाएगा, एकदम फर्स्ट क्लास जेन्युइन, ठीक है, बाकी ये जो अपना ये एक्स्ट्रा तार थी तो इसको जल्द से काट देंगे और टेप मार के छोड़ देंगे, और फटाफट से इसका स्विच में टेप करवा के इसको फिट करवाते हैं। तो भाई अपना स्विच लगा दिया है और स्विच को टाइट कर दिया है बढ़िया करके, और गैस भी अपनी एकदम मक्खन काम कर दिया, पहले की गैस की तार खराब होती थी और स्विच में भी दिक्कत थी भाई आपका, ये इसका टूटा हुआ था तो ये भी जुगाड़ कर दिया अपने, बाकी सेल्फ अपना भी चेक कर लेंगे, बाकी स्विच अपना लग गया। तो भाई इसके बाद कर रहे हैं टंकी का जुगाड़, टंकी का भाई इसमें क्या है लोक सेट डालने वाले हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी टंकी के अंदर में क्या है, खाली जो अपना क्या जुगाड़ होता है कि तो टंकी का जो लोक होता है ना, तो इसका क्या होता है अपने हैंडल का लोक चेंज हो जाता है, और अपना लोक ये रहता है ना, इसके अंदर पिन डल जाती है, कौन सी पिन आती है, ये पिन होती है, ये पिन डल जाती है, मगर इसमें क्या इशू आता लास्ट टाइम मैंने मंगाया था भाई, तो ये निकाला था, तो इसके अंदर में जो पीतल वाली पिन होती है ना, इसमें स्प्रिंग होती है, ये दबती है, दबने के बाद ये वापस रिटर्न आनी चाहिए, मगर इसकी दो पिने निकल गई, उसके स्प्रिंग खो गए थे, तो अभी इसको फिर जुगाड़ करके देखने क्या करना है। तो अभी इसका क्या था, जो हमारी इसके अंदर पिन आती है, यहाँ पे पिन लगती है ये वाली, ये पिन ये क्या होती है अपने आप ही अंदर जाती है, अपने आप बाहर आती है, मगर इस वाले पुराने वाले का स्प्रिंग टूट गया था ये यहाँ पे, तो मेरे पे एक और टंकी पड़ी थी, उसका फिर पूरा सिस्टम बना के इसमें लगाएंगे, क्योंकि कम बजट में गाड़ी को रेडी करना है, और अभी पूरा इसका लॉक बनाते हैं, फिर एक बार लॉक डाल के चेक कर लेते हैं कि लॉक काम करता है नहीं करता, नहीं काम करेगा तो ढक्कन सीमेंट डालना पड़ेगा। तो फाइनली भाई अपना ढक्कन लगा दिया, लॉक लगा दिया, और भाई एक घंटा हो गया इसको लगाने में, क्योंकि काफी सारी प्रॉब्लम्स आ गई थी, प्रॉब्लम्स क्या आ गई थी भाई, जो जैसे कि मैंने बताया जो अपनी वाली पहली वाली जो लॉक सेट था नया लॉक सेट,
तो मैंने एक बार एक गाड़ी के अंदर ट्राई करा था, तो यहाँ पे पिने होती है इसके अंदर में, देखो ये पिन क्या होती है, ये देखो दबेगी छोड़ जाती है अपना बाहर आएगी, क्यों, क्योंकि इसके अंदर होती है स्प्रिंग, छोटे छोटे इतने छोटे स्प्रिंग होते हैं कि भाई वो आपको शायद ही बहुत कम देखने को मिलती हो, शायद नहीं भी नहीं मिलते हो। तो वो स्प्रिंग की वजह से क्या हुआ था, जब तक स्प्रिंग नहीं होगी ना भाई तो अपनी चाबी काम नहीं करेगी, चाबी इसके अंदर मैंने लॉक डाल भी दिया था मगर चाबी काम नहीं करेगी, कुछ नहीं थी, तो उसके बाद दोबारा लॉक निकालना पड़ा। तो मैंने थोड़ा दिमाग लगाया, मैंने क्या करें, सिर्फ लॉक अपना नया खराब हो जाएगा बिल्कुल। तो मैंने क्या करा, अपने बाद में हिमांशु भाई का LZR का ढक्कन पड़ा था उसका, ये हमने लॉक निकाला और इसकी पत्तियां भाई निकाली, ये देखो ये तीन पत्ती पड़ी है यहाँ पे और तीन स्प्रिंग निकाली है भाई, फिर इसके अंदर पे तीन स्प्रिंग लगाई है तब जाके अपना लॉक एकदम वर्क करने लगा है। तो अब इसका टंकी का लॉक लगा दें और इसके बाद में भाई टंकी का लॉक और मैं चेक कर लूंगा एक बार ठीक से, और उसके बाद में पूरा लॉक सेट डालेंगे इसमें बाइक में नया, और उसके बाद में टंकी लगा के अभी क्या पेट्रोल डालना टंकी में, क्योंकि भाई बिना टंकी के गाड़ी का और काम नहीं हो पा रहे, और फटाफट से भी इसका टंकी करते हैं फिट। तो फाइनली भाई बहुत सारा काम अपनी गाड़ी का खर्च हुआ है, काफी ज्यादा काम हमने खेच दिया अपनी जो हमने निकाला था भाई, एक आध साल ही हो गया होगा, जाते मेरे ख्याल एक साल हो गया, सुन एक आध साल से भाई अंदर खड़ी थी वहां अपने गोडाउन में खड़ी होकर सड़ रही थी, और उसके बाद से भी अपने पास में एक प्रोजेक्ट पे मतलब काम करने वाले थे, तो मैंने सोचा कि इसको रेडी करके पहले इसको निकाला जाए फिर उस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे हम, क्योंकि ये बाइक जाएगी रेडी होके, इसके बाद भी अपनी जुपिटर आएगी वाली, और जुपिटर पे करने वाले हम बहुत जल्द एक्सपेरिमेंट करेंगे, वो वीडियो में देखना आप। बाकी इसको जितना भी काम था भाई बहुत मतलब छोटे छोटे भाई, लगा नहीं था कि इसमें इतना काम होगा, बाकी इसका लोक का जुगाड़ कर दिया बढ़िया, और भाई पुराना लोक हमने सक्सेसफुल कर दिया, बढ़िया लोक काम कर रहा है, इसका हैंडल लोक भी, टंगी का लोक भी और पीछे का लोक भी एक साथ भी हो गई है सेम, और ओरिजिनल लोक डाला इसमें जनरल। बाकी कल इसके टायर का जुगाड़ करने वाले, क्योंकि इसके टायर में कई इशू आ रहा है भाई, ये शायद टायर का खराब हो रहा है, तो कल देखेंगे इसमें टायर में क्या करना है, कोई सेकंड हैंड टायर में जुगाड़ करके डालेंगे, ठीक है, नया नहीं डालना, नया का बजट नहीं है। बाकी हाँ एग्जॉस्ट का काम रह गया, काफी हद तक हमने इसमें वेल्डिंग कर दी है, मगर कहीं की जगह पर देखो कि वेल्डिंग रह दी है, तो कल क्या करेंगे, वेल्डिंग करेंगे कंप्लीट, उसके बाद में पानी डाल दूंगा यहाँ से बैंड पाइप में, पानी डालने के बाद एक बार चेक कर दूंगा कहाँ से लेके जा रही है, क्योंकि हल्की सी भी लेके जाएगी तो ये साउंड करेगा। तो बाकी काफी हद तक काम हो गया, बाकी एक बैटरी का काम रह गया, और कल भाई जा रहे हैं हम इसका शोकर लेने के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने शोकर इसका बेच दिया था, तो देख सकते हो कि इसका बंदे का किसका एक्सीडेंट हुआ था, तो ये शोकर भाई खोल के मैंने बिहार भेजा था, तो कल इसका शोकर मंगाएंगे, शोकर इसमें डालेंगे, इसका दूसरा दोनों शोकर की सर्विस करेंगे, वो अलग ही सील कट रही है, तो कल इसके दोनों शोकर रिपेयर होंगे, सेकंड इसके अलाविल में वेल्डिंग करानी है, ठीक है, ये दो काम रह गए कल के लिए। बाकी बैटरी का इशू आ रहा गाड़ी के अंदर, बैटरी थोड़ा सा दिक्कत दे रही है, और काफी हद तक भाई हमने इसका काम खींच दिया, तो अभी भाई घर निकलते हैं, कल आके कल इसका काम देखिए क्या क्या काम इसमें करने के रह गया। तो भाई काफी हद तक हमने NS200 का काम कर चुके हैं, बाकी बहुत सारे काम अभी भी पेंडिंग है जो हमें करने हैं, बाकी इसका और जो काम है वो भाई वो एक आध दिन में स्टार्ट करने का, क्योंकि अभी क्या ऐसे सामान मंगाना है, इसके शोकर वगैरह मंगाने पड़ेंगे, उसका लाइनिंग में भी इशू आ रहा है, तो देखते हैं उसका क्या करना है। तो अभी के लिए भाई लोग काफी लंबा हो गया, तो सेकंड पार्ट डालेंगे, क्योंकि मतलब लोग जो बहुत ज्यादा लंबा पहुंच जाएगा, तो अभी के लिए निकलते हैं भाई का, अभी के लिए टेक केयर, बाद में मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, नई एक्सपेरिमेंट के मतलब इसी एक्सपेरिमेंट के साथ में नेक्स्ट लोग में, अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।